गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बिस्सो याजना चैनल विथ अनदर ब्लॉग फ्रॉम पौंडीचेरी। मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट, जिसका नाम है पिछावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट। नो नीड टू ट्रैवल फॉरेन लैंड आउटसाइड इंडिया टू हैव अ लुक ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। यहाँ का बेस्ट है। पौंडीचेरी से ड्राइव करते हुए आपको 2.5 घंटे लगेंगे एंड इट्स ए परफेक्ट वन डे ट्रिप फ्रॉम पौंडीचेरी। सो पिछावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट का जो डिस्टेंस है पौंडीचेरी से वो है 70 किलोमीटर। चलिए हमारे साथ एक्सप्लोर करते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो फ्रेंड्स, हम फाइनली आके पहुंच चुके हैं पिछावरम में। दिस इज पार्किंग स्पेस एरिया, यहाँ पे आप पार्क कर सकते हो। ये जो मेरे सामने में है, दिस इज़ टिकट काउंटर वेयर यू कैन बुक योर टिकट। बेसिकली यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ बोट है, एक है रो बोट एंड द अदर वन इज़ मोटर बोट। फ्रेंड्स, जो रो बोट है उसके चार्जेस 4 पर्सन का 400 रुपीज़ है फॉर 1 आवर ड्यूरेशन एंड ऑल्सो 600 रुपीज़ 6 पर्सन का है फॉर सेम 1 आवर ड्यूरेशन। एंड मोटर बोट का चार्जेस 8 पर्सन का 1800 रुपये है फॉर 40 मिनट्स ड्यूरेशन एंड इसमें 2 किलोमीटर्स की राइड रहेगी। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो ये वेटिंग एरिया है। आपका नंबर आने तक आपको यहाँ पर वेट करना होगा। एंड फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर 1 से 2 PM तक आके पहुँचना है, क्योंकि सीजन टाइम पर अगर आप जल्दी नहीं पहुँचोगे तो टोकन मिलना मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। एंड आपको यहाँ पर फर्स्ट टोकन लेना है, उसके बाद आपको टिकट मिलती है, तो ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखना। काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। सो हमने बुक करी है मोटर बोट 8 पर्सन का। अभी हमारा बोट आने में टाइम लगेगा, करीब 1 आवर तक वेट करनी होगी यहाँ पर। 1 आवर वेट करने के बाद अभी हमारी बोट आ चुकी है। नाउ वी आर रेडी टू गो फॉर ए मोटर बोट राइड। सो लेट्स एक्सप्लोर द मैंग्रोव फॉरेस्ट विथ अस। तो फ्रेंड्स, ये है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड इट इज़ स्प्रेड अक्रॉस 1100 हेक्टर्स। कहते हैं कि अगर इस पूरे फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करना है तो महीनों लग जाएंगे, 1-2 महीने भी आपको बहुत कम पड़ेंगे। एंड फ्रेंड्स, ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये स्प्रेड है बे ऑफ बंगाल तक। बीच में से सेपरेटेड है ये बे ऑफ बंगाल से बाई सैंड बार। तो फ्रेंड्स, ये है मैंग्रोव फॉरेस्ट ट्री जो कि परमानेंटली रूटेड है पानी के अंदर तक। आप देख सकते हो कितना सुंदर फॉरेस्ट है ये। हम 1 घंटे का बोट राइड करने वाले हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर एंड अभी हम मिडिल ऑफ द मैंग्रोव फॉरेस्ट में हैं। सच में ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये। आपको पता है फ्रेंड्स, जो 2004 में सुनामी आई थी तमिलनाडु में, मैंग्रोव फॉरेस्ट की वजह से कुछ भी ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ था, स्पेशली इस एरिया में। मैंग्रोव फॉरेस्ट सुनामी की रुकावट बन गई थी। अभी हम थोड़ा अंदर डीप जा रहे हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट में। फ्रेंड्स, कीप इन माइंड, आपको अगर थोड़ा अंदर जाना है मैंग्रोव फॉरेस्ट में, बोट राइडर आपको नॉन ऑफिशियली कुछ अमाउंट चार्जेस करेंगे, 500 से लेके 600 तक। तो आपको साथ में कुछ कैश रखनी होगी, ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखना। जैसे फील हो रहा है कि फॉरेस्ट की गुफा में आ गए हैं हम। कितना साइलेंट है यहाँ पर। नेचर लवर के लिए बेस्ट प्लेस है ये एंड नेचर लवर मस्ट विजिट दिस प्लेस। एंड फ्रेंड्स, आप भी अगर प्लान करते हो पिछावरम आने के लिए, मेरी सजेशन ये रहेगी विंटर में प्लान करो, स्पेशली सेप्टेम्बर से फरवरी के बीच में, क्योंकि समर में यहाँ पे गर्मी और ह्यूमिडिटी बहुत होती है। सो प्लान योर ट्रिप अकॉर्डिंगली। फ्रेंड्स, देर आर मोर देन 400 बोटिंग वाटर वेव्स इन द मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड अकॉर्डिंग टू बोट राइडर भैया 50 आइलैंड इन दिस मैंग्रोव फॉरेस्ट। ऐसे ही इसको वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट नहीं कहते हैं। रियली फ्रेंड्स, एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है ये। इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस नेचर साइड। तो फ्रेंड्स, जरूर प्लान करें यहाँ पर आना वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने के लिए। अभी सनसेट होने जा रही है, हम राइड यहीं पे ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स।
इसी के साथ मैं पीछावरम वीडियो को एंड करती हूँ। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। एंड अगर आप कभी भी पीछावरम आते हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय।